हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीप्ति द्विवेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुंह से बदबू आने के बारे में। उसे हम हेलिटोसिस भी कहते हैं या बैड ब्रेथ भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 50% से ज़्यादा लोग जो हैं इससे अफेक्टेड होते हैं। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सोसाइटी में बैठने से पहले उनको थोड़ा सा संकोच होता है कि मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है कहीं। और कई बार होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव्स आपसे बोलते हैं कि आपके मुँह से बदबू आ रही है। तो अगर ये कभी कभी हो रहा है तो डेफिनेटली चलता है, क्योंकि कभी हो सकता है कि हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उतनी ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर ये आपके साथ अक्सर होता है तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए, आपको प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, डेंटिस्ट से अपना अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। और ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज मिले और आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। फ्रेंड्स, मुंह से बदबू आना एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, बट 90% कारण जो है वो है आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है, ये जो हमारा माउथ है इस कैविटी को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। इसके अंदर टीथ, टंग, गम सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आपके किसी एक में प्रॉब्लम है तो ये आपके मुँह से बदबू आने का कारण बन सकती है। 10% दूसरे कारण भी होते हैं हमारी बॉडी के, जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो हो सकते हैं लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, या कोई ड्रग्स का साइड इफेक्ट, तो वो भी आपके कारण हो सकते हैं। फ्रेंड, सबसे मेन कारण है आपका ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स। ओरल कैविटी में हम सबसे पहले बात करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स की। डेंटल प्रॉब्लम्स मतलब आपकी दांत की प्रॉब्लम। अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है या सड़न हो गई है या आपको दिख रहा है कि उसमें गड्ढा हो रहा है, तो उसके कारण भी मुँह से बदबू आ सकती है। इसलिए आपको अपना चेक खुद करते रहना चाहिए कि कहीं ठंडा गर्म तो नहीं लग रहा है या कहीं गड्ढा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतना बेटर रहेगा। शुरू में ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो सिर्फ फिलिंग हो जाएगी आपसे, तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप लेट करते हैं तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो आप ट्राई करिए कि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट कराएं वो बेटर रहेगा। फ्रेंड्स, दूसरा कारण है पायरिया। पायरिया यानी कि जिंजिवाइटिस। आपके जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े आपके इसमें रेड होते हैं, आप ब्रश करते हैं तो उसमें ब्लड आने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट कारण है इसका वो है कि आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते उसके कारण आपका जो खाना है वो उसमें जमा हो जाता है मसूड़ों में, और पॉकेट्स फॉर्म हो जाती है दांत में, और जो मसूड़े के बीच में जो कनेक्शन होता है वो लूज हो जाता है, पॉकेट फॉर्म हो जाती है, और उससे आपका दांत ढीला हो जाता है, हिलने लग जाते हैं, पॉकेट में बैक्टीरिया आ जाते हैं और आपके मुँह से स्मेल आती है। अगर आपके दोनों दांतों के बीच में गैप है या कोई कैविटी है, उसमें फूड आपका लॉजमेंट होता है, फूड इम्पैक्शन होता है, तो उसके कारण भी मुँह से स्मेल आती है। तो आपको इसको भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से डेंटिस्ट आपको एंटीबैक्टीरियल पेस्ट और एंटीबैक्टीरियल माउथ रिंस देगा, जिससे कि जो प्लाक का बिल्डअप है, प्लाक का फॉर्मेशन है, वो कम होगा। और प्लाक फॉर्मेशन कम होगा तो आपके मुँह से स्मेल आना भी कम होगी धीरे धीरे। अगर आप अपनी टंग को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक कारण बन सकता है कि आपके मुंह से स्मेल आए। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, वो भी स्मेल कर सकता है मुंह से। कि अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान खुद भी रखना है। लाइक आपको दोनों टाइम ब्रश करना है, आपको सुबह ब्रश करना है, रात को ब्रश करना है। और अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है तो फ्लॉस होता है जो इंटरडेंटल यानी कि दो दांतों के बीच में इसको यूज़ करते हैं, तो उससे आपका जो फूड लॉजमेंट है बीच में वो रिमूव हो जाता है। अपनी टंग को आप अच्छे से रेगुलरली क्लीन करें। फ्रेंड्स, आपको खूब पानी पीना चाहिए, बिकॉज आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे आपके मुंह में उतना ड्राइनेस नहीं रहेगी, क्योंकि ड्राइनेस भी कभी कभी स्मेल का कारण बनती है। अपने ब्रश को आप हर 3-4 महीने के बाद में चेंज कर दीजिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप ब्रश यूज़ करते हैं उसके ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट रहें। अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको च्यू करते हैं उसके कारण भी मुझसे स्मेल आती है, तो यू शुड क्विट द हैबिट्स। आप रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें आपके दांतों का अच्छे से सफाई हो जाएगी, रूट प्लानिंग हो जाएगी आपकी, तो उससे आपकी स्मेल आना भी कम हो जाएगी। दूसरे और भी कारण हो सकते हैं ओरल कैविटी के कारण जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बैड ब्रेथ में, लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस, इन सब के कारण भी हो सकता है कि मुंह से स्मेल आए। लाइक रिफ्लक्स, ईसोफेजाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब के कारण भी हो सकता है। कुछ ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे स्मेल आती है मुंह से। फ्रेंड्स, आपको अपने ओरल हाइजीन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ओरल कैविटी है, जो मुंह है, यहीं से हम खाना खाते हैं और ये हमारे पेट में आपके मुंह के द्वारा ही जाता है।
आपका यहाँ से कैविटी या बैड ब्रेथ आना, स्मेल आना, प्लाक डिपोजिशन होना, ये अच्छा नहीं है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।